नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भारत की सांस्कृतिक विरासत परंपराएं हस्तकला और ललित कलाएं, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियोस में जो है कढ़ाई बुनाई की कला के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम यहाँ पे चर्म उद्योग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चर्म उद्योग प्राचीन भारत में प्राणियों के चमड़े का विविध उपयोग होता था। प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि चर्म उद्योग जो है वह क्या है। तो विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि चर्म उद्योग क्या है। तो जो प्राणी होते हैं उनका मृत्यु के बाद जो है उनका चमड़ा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि प्राचीन भारत जो है वहाँ पर तो प्राचीन समय से ही मृत प्राणी जो होते हैं उनके चमड़े का विविध प्रकार का उपयोग होता है, जिसमें प्राणी की मृत्यु के बाद जो है उनका चमड़ा तैयार किया जाता है। कृषि के लिए कुआं से पानी निकालने के लिए पूर्व चरसा तथा पानी की मशक और पखालों में चमड़े का उपयोग होता था। ढोल, नगाड़ा, तबला जैसे संगीत के साधनों के उपरांत लोहार की धोकनी, विविध प्रकार के जूते और प्राणियों को बांधने के लिए चमड़े का उपयोग होता था। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो कृषि के लिए कुआं से पानी निकालने के लिए पूर जो बनाया जाता है वह तथा पानी की मशक और पखालों में चमड़े का उपयोग होता था। इसके उपरांत जो ढोल, नगाड़ा, तबला वगैरह जो संगीत के साधन है उनमें जो है चमड़े का उपयोग होता है, तथा लोहार की जो धोकनी है ऐसे विविध प्रकार के जूते और प्राणियों को बांधने के लिए जो है चमड़े का उपयोग होता था। युद्ध में उपयोग की जाने वाली ढाल में भी चमड़े का उपयोग होता था। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि युद्ध में जो उपयोग में की जाती है ढाल वह भी चमड़ा का वहाँ पर भी चमड़े का उपयोग होता है। भारत में चर्म उद्योग का विशिष्ट स्थान है, जिसमें जूते और चमड़े के विविध चीज वस्तुएं जैसे कि चमड़े की कढ़ाई बुनाई वाली जूतियां, चप्पलें, पर्स, पट्टा, बेल्ट तथा घोड़े और ऊंट जैसे प्राणियों के पीठ पर रखा जाने वाला साज, पलान, लगाम तथा चाबुक के लिए डोरी भी चमड़े की होती थी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में जो है चर्म उद्योग जो है उसका एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें जो जूते और चमड़े के विविध चीज वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि जो है चमड़े की कढ़ाई बुनाई वाली जूतियाँ होती है, चप्पल, विशेष प्रकार के पट्टे, बेल्ट, घोड़े और ऊंट जैसे प्राणियों के पीठ पर रखा जाने वाला जो साज होता है, पलान, लगाम तथा चाबुक जैसे साधनों को बनाने के लिए जो है उनकी डोरी वगैरह बनाने के लिए जो है चमड़े का उपयोग होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने चर्म उद्योग के विषय में इतनी जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने देखा कि प्राचीन भारत जो है मृत प्राणियों के चमड़े का विविध उपयोग होता था, जिसमें प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था। फिर कृषि के लिए कुआं से पानी निकालने के लिए पुल बनाने में, तथा जो है ढोल, नगाड़ा, संगीत जैसे जो साधन होते हैं वहाँ पे उन सभी को बनाने में चमड़े का उपयोग होता है, और युद्ध में की जाने वाली जो ढाल है वहाँ पर भी चमड़े का उपयोग होता था। तो इस तरह से भारत में जो चर्म उद्योग है उसका एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें कि जूते, चमड़े के विविध चीज वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे पर्स, बेल्ट वगैरह, तथा फिर घोड़ा और ऊंट पर रखे जाने वाले जो है साज, पलान, लगाम और चाबुक के लिए डोरी वगैरह जो है वह भी चमड़े से बनाई जाती है। तो इस तरह से भारत में जो है चर्म उद्योग जो है वह काफ़ी विकास हुआ है। हीरा मोतीकाम और मीना कारीगरी। तो विद्यार्थियों, चर्म उद्योग के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वह है हीरा मोतीकाम और मीना कारीगरी जो है उसके विषय में हमें यहाँ पे जानकारी दी गई है। भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं में 7517 किलोमीटर लंबाई वाला समुद्री तट है, जिसके कारण हीरा मोती का उपयोग बड़े पैमाने पर होता रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत जो है भारत में पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ जो है समुद्र है, जिसकी वजह से जो है हमारा समुद्र 7517 किलोमीटर लंबाई वाला समुद्री तट है, जिसके कारण हीरा मोती जो है उसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता रहा है।
समुद्री मार्ग की यात्रा करके समुद्र पार के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध होने से हीरा मोती का व्यापार भी होता रहा है। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हीरे मोती के आभूषणों की पहले से ही विदेशों में खूब मांग रही है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, तो हम सभी जानते हैं कि समुद्री मार्ग की यात्रा के द्वारा जो है हमारे देश से दूसरे देश में हम आयात निर्यात जो है वह व्यापार करते है। तो इस तरह से जो है हमारे देश का अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध है, जिसकी वजह से हीरा मोती जो है उसका भी व्यापार प्राचीन समय से होता रहा है। और भारतीय कारीगर द्वारा बनाए गए जो हीरे मोती के आभूषण है उन सभी की पहले से ही विदेशों में मांग रही है। विश्व विख्यात कोहिनूर और ग्रेट मुगल हीरा भी भारत से ही मिला था। भारतीय लोग आभूषण के शौकीन थे। सोने के गहनों के उपरांत श्रीमंत वर्ग, राजा महाराजा और अमीर लोग वैविध्यपूर्ण हीरे मोती के आभूषण पहनते थे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि विश्व विख्यात जो कोहिनूर और ग्रेट मुगल हीरा है वह भी हमें भारत से ही मिला हुआ है। और भारतीय लोग जो है वह सभी आभूषण गहने वगैरह पहनने के जो है शौकीन थे। तो सोने के गहने पहनने के उपरांत जो है श्रीमंत वर्ग, राजा महाराजा वगैरह जो है वे सभी लोग वैविध्यपूर्ण हीरे मोती के आभूषण भी पहनते थे। प्राचीन समय में राजा महाराजा, शास्त्री और महाजन लोग भी हीरा मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि रत्नों का उपयोग वस्त्राभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए करते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्राचीन समय में जो राजा महाराजा, श्रेष्ठी और महाजन लोग थे वे सभी लोग हीरा मोती, माणिक, पन्ना, फिर पुखराज, नीलम आदि जो है इन सभी रत्नों का जो है उपयोग वस्त्रों का आभूषण बढ़ाने के लिए करते थे। राजा महाराजा और बादशाहों के सिंहासनों, मुकुटों, मालाओं और बाजूबंदों बनाने में रत्नों का उपयोग होता था। मोती के कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौका, पंखा, विवाह के नारियल, गुनगुना, पिचोरी, गेंडूरी, बैलों के लिए कलात्मक शहरा, सिंगों के झालर आदि बुनाई की कला कारीगरी अद्भुत रही है। संपूर्ण भारत में यह सारी कारीगरी हस्तकला कारीगरी के रूप में परंपरागत ढंग से देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया है कि प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ के जो हीरे मोती है इन सब की जो है विश्व में मांग रही हुई है। उसके बाद जो है प्राचीन समय में जो राजा महाराजा, महाजन लोग जो थे वे लोग हीरा, माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि जो है इन सभी रत्नों का उपयोग जो है वस्त्र आभूषण जो है उनकी शोभा बढ़ाने के लिए करते थे। राजा महाराजा और बादशाहों के जो सिंहासन होते थे, मुकुट होते थे, मालाओं, बाजूबंद वगैरह जो है इन सभी में रत्नों का उपयोग होता था। मोती के कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौका, पंखा, विवाह के जो नारियल होते हैं, उसके बाद गुनगुना, पिचोरी, गेंडूरी, बेलों के लिए जो कलात्मक शहरा, सिंगों के झालर आदि जो है बुनाई की कला कारीगरी है यह भारत में अद्भुत रही हुई है। और संपूर्ण भारत में यह सारी कला कारीगरी जो है यह हस्तकला कारीगरी के रूप में परंपरागत ढंग से हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो है हस्तकला का काफ़ी विकास हुआ है। सोना, चांदी तथा मीनाकारी की कला कारीगरी में दुनिया भर के देशों में भारत का स्थान अग्रसर है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सोना, चांदी तथा मीनाकारी की जो कला कारीगरी है उसमें दुनिया भर के जितने देश है उन सभी में भारत का जो स्थान है वह अग्रसर यानी सबसे आगे हमें देखने को मिलता है। अपने यहाँ सोना चांदी के अलंकारों, माला, हार, अंगूठी, एयरिंग, कंगन, चाबी का गुच्छा आदि के काम में कुशल और निपुण कारीगर मीना कारीगरी द्वारा लाल, हरा और आसमानी रंग भर करके गहनों की शोभा बढ़ाते हैं। मीना कारीगरी में कुशल कारीगर जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद में विशेष रूप से है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया है कि सोना, चांदी तथा मीनाकारी की जो कला कारीगरी है उसमें दुनिया भर के देशों में भारत का जो स्थान है वह अग्रसर है। और अपने यहाँ सोना चांदी के जो अलंकार यानी गहने वगैरह है जैसे कि माला, हार, अंगूठी, एयरिंग, कंगन, चाबी का गुच्छा इन सभी के काम में कुशल और निपुण कारीगर जो है
मीना कारीगरी द्वारा वे लोग लाल, हरा और आसमानी रंग भर करके जो गहने हैं उन सब के शोभा और अधिक बढ़ाते हैं। तो मीना कारीगरी में जो कुशल कारीगर है वे जयपुर के, लखनऊ के, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद के विशेष रूप से है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने हीरा मोती काम के और मीना कारीगरी जो है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। और हीरे का जो है सबसे ज़्यादा विकास हमारे भारत के जो है सूरत शहर में हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इन सब के विषय में जानकारी प्राप्त की। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।